Hello guys, this is Rajesh Gaur and welcome to DBZ channel. Guys, earlier we have discussed about the seeds of the plant, reproduction of the plants, and today we will discuss about the germination of seed, dispersal of seed and agent of the seed of dispersal. Now let's begin with this. Germination of seed. What is germination of seed? A plant produces various seeds but only a few of them used for germination. During the process of germination, the seed absorb water and cell of the embryo start dividing. So this is the result in the growth of baby plant inside the seed. उसमें से एक small root निकलती है जो baby plant होता है, जिसे हम radicle बोलते हैं. So it comes out of the germinating seeds and growth downward. तो यहाँ पे हमारा सीड जो होता है जर्मिनेट करता है इसमें. अब इसको बताया गया है कि ये सीड जो होता है हमारा डिस्पर्सल कैसे करता है. द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड द सीड डिस्पर्सल. यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोसेस होती है सीड्स वहाँ पे स्कैटर्ड होता है. स्कैटर्ड होता है पेरेंट प्लांट जो हमारा जिसे एम्ब्रियो बोलते हैं, बेबी प्लांट्स होता है वहाँ पे स्कैटर्ड करता है जिसमें से रेडिकल निकलता है. तो इसे बोलेंगे हम डिस्पर्सल ऑफ सीड. अब होता क्या है, ये इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू गिव द प्लांट हायर प्रोबेबिलिटी टू सर्वाइव अवे फ्रॉम द डिजीज प्रेडेटर्स एंड स्ट्रगल्स. यहाँ पे कैसे बीज यहाँ पे अब जो होता है रेडिकल जैसे बाहर निकलता है वहाँ से. सो इट कैन बी डिवाइडेड इन द फोर पार्ट लाइक दीज आर द एजेंट्स ऑफ सीड्स. लाइक सीड्स आर डिस्पर्सल इन द डिफरेंट वेज. सीड्स होते हैं डिस्पर्सल करते हैं वो डिफरेंट तरीके से. कैसे, ये हमारे विंड में भी करते हैं, वाटर में भी करते हैं, एनिमल में भी करते हैं, और एक्सप्लोजन होता है तब भी हमारे सीड के डिस्पर्स होते हैं. बात करते हैं विंड की. तो विंड में क्या होता है, जैसे कॉटन प्लांट होता है और डेंडिलिन होता हैव हेयर, इनके कुछ बाल हेयर टाइप्स के होते हैं दैट हेल्प देम फ्लोट इन द एयर, हवा में तैरते हैं. दे आर कैरिड बाय द विंड फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर. तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जाते हैं ये, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ये स्कैटर्ड होते हैं. अब आते हैं डिस्पर्सल.